नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजार की चाल में चर्चा करेंगे यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। हमने कल के दिन यानी कि शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार में एक गिरावट आती देखी, और ये जो गिरावट देखने को मिली है इसका एक बहुत ही मुख्य कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से कमोडिटी बाजार हो या फिर शेयर बाजार, दोनों ही लगभग सारे ही बाजार में एक कोहराम सा मचा हुआ है। और इसका एक मुख्य कारण ये बनता नजर आ रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट देखने को मिला है, कोरोना का नया स्ट्रेन आ रहा है, जिसकी वजह से लगभग देश विदेशों में कोहराम सा मचा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में कोरोना का ये नया स्ट्रेन पाया गया है, जिसको B11529 ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है, और इसको लेकर WHO ने बैठक भी की है और विशेषज्ञों से चर्चा भी की है, जिसकी वजह से कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने जाने वाली फ्लाइटों पर रोक भी लगा दिया है। और इसी की खबर का असर हम देख रहे हैं कि कमोडिटी बाजार पर पड़ता नजर आ रहा है। हर बार की तरह ही हम पिछले 2 सालों से लगातार देख रहे हैं, जब से कोरोना आया है तब से ही हम देख रहे हैं कि जब भी कोरोना की खबरें फैलती हैं या फिर कोरोना का एक नया स्ट्रेन आता है या फिर कुछ म्यूटेशंस होते हैं, बदलाव होता है, इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बाजारों की चाल पर भी पड़ता नजर आता है। कमोडिटी बाजार, शेयर बाजार, किसी भी प्रकार का बाजार हो, हर एक बाजार पर इसका असर पड़ता नजर आ रहा है, और ठीक वही हमने बीते सत्र में कमोडिटी बाजार पर होता हुआ देखा। बात करें अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की, तो नॉन एग्री कमोडिटीज में हमने कच्चे तेल की कीमतों में बीते शुक्रवार को बड़ी गिरावट आते देखी है। आपको बता दें कि एक ही दिन में, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में, ब्रेंट क्रूड के अंदर 11% की और WTI के अंदर 13% की गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड ऑयल हमने $72 के करीब गिरता हुआ देखा है, और WTI 4.2 और WTI $68 पर कारोबार कर रहा है। हमने देखा है कि WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल दोनों में ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली है इंट्राडे के अंदर ही। बीते शुक्रवार को एक ही दिन में 13% की WTI में और ब्रेंट क्रूड ऑयल में 11% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है कच्चे तेल की कीमतों के चलते। अब कच्चे तेल का बाजार और बाकी कमोडिटी का बाजार आगे कैसा रह सकता है, इसका इंपैक्ट कमोडिटी बाजार पर कैसा देखने को मिलेगा, क्या आगे जाके जो गिरावट है और ज्यादा गहराएगी, इसको और गहराई से जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा जी। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, दक्षिण अफ्रीका में नया कोरोना का वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, जिसकी वजह से हमने कमोडिटी बाजार में एक गिरावट आती देखी है। एनालिस्ट भी जो है कमोडिटी बाजार के, वो भी लगातार ये बता रहे हैं कि अगर कच्चे तेल की कीमतें और ज्यादा गिराती हैं और जो डिमांड है इसकी उनमें डिसरप्शन होता है, तो इसको संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कच्चे तेल की कीमतों को एक बार नेगेटिव में भी जाते हुए देखा है। आपका क्या कहना है, कमोडिटी बाजार में स्पेशली कच्चा तेल जो इस वक्त इतनी गिरावट के साथ देखा जा रहा है, आगे कैसा रह सकता है? देखिए, जहां तक कच्चे तेल की बात है और जो फ्राइडे की अगर हम बात करें, तो फ्राइडे का बाजार जो है वो काफी डाउनसाइड देखने को मिला है कच्चे तेल के अंदर। और जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही है US ने, और जिस तरीके से सप्लाई को बढ़ाने के लिए कहा गया था, और वो सप्लाई जो है कुछ एक देशों ने तो उनका सहयोग दिया, लेकिन जो चाइना ने वादा किया, चाइना अपने वादे से मुकर गया, इस तरीके की खबरें फिलहाल निकल कर आ रही हैं। तो जिसकी वजह से भारत ने भी सपोर्ट किया और देशों ने भी सपोर्ट किया, लेकिन चाइना की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हम देखा कि कल के बाजार में कच्चा तेल जोरदार गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। और इसी के साथ आप देखिए, जो तो एक नया वेरिएंट निकल कर आया है, उसका भी एक इंपैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। तो दोनों तरफ से मार पड़ी कि डिमांड जो है वो इफेक्ट हो सकती है, और सप्लाई जो पहले बढ़ने की बात हो रही थी, और ओपेक के देशों की अब बैठक भी है 2 दिसंबर को, जी ट्रिगर्स आगे भी आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जो बाजार दिखाई दे रहा है और इसके चलते लगातार गिरावट जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। अमेरिका की अपील पर भारत अधिकतर तेल खरीदार देशों ने अपने रिजर्व्स से क्रूड जारी करने की सहमति दे दी थी, लेकिन चीन पहले इसमें शामिल था, अब उसने अपने हाथ हटा लिए हैं। और अमेरिका ने 5 करोड़ बैरल और भारत ने 50 लाख बैरल रिजर्व तेल जारी भी करने का ऐलान कर दिया था। अब
जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, इससे उम्मीद की जा रही थी कि कच्चा तेल अब जो पहले धड़ाम हो गया था वापस से सपोर्ट ले सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना का एक वेरिएंट आ गया जिससे डिमांड के ऊपर इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो माना यह जा रहा है कि अभी फिलहाल जो है क्रूड की कीमतें नीचे ही बनी रह सकती हैं। आगे अभी ओपेक देशों की बैठक भी है 2 दिसंबर को, उस पर उत्पादन जो बढ़ाने की संभावनाएं पहले लगती हुई दिखाई दे रही थी अब वो फिर से कम हो चुकी है कि उत्पादन बढ़ाने पर फिलहाल कोई ऐसा बनता नजर नहीं आ रहा है कि उत्पादन बढ़ेगा। वहीं आईईए के एक प्रमुख ने यह भी कहा है कि हम कीमतों पर प्रभाव डालने की कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि सप्लाई में कमी जो दिखाई जा रही है वो एक्चुअल में कमी है नहीं, ऐसे भी बयानबाजी निकल कर आ रही है। और उनका ये मानना है कि 60 लाख बैरल प्रतिदिन तक सप्लाई जो है वो बढ़ाई जा सकती है। वहीं इराक के पेट्रोलियम मंत्री ने भी ये कहा है कि हम उत्पादन बढ़ाने से पहले मौजूदा सप्लाई की समीक्षा करेंगे। यानी जगह जगह से इस तरीके की बयानबाजी निकल कर आ रही है कि क्रूड की सप्लाई इतनी ज्यादा डिस्टर्ब है नहीं जितनी दिखाई जा रही है। अब कुछ देशों का ये कहना है कि हम पहले सप्लाई की समीक्षा करेंगे, यानी हम एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल में सप्लाई इतनी मार्केट में कम है इसको बनाया जा रहा है। उधर से ओपेक प्रोडक्शन बढ़ाने को तैयार नहीं है। तो पहले ये फैक्टर्स आ रहे थे जो क्रूड को सपोर्ट देते नजर आ रहे थे, अब क्रूड के अंदर जो शुक्र काफी कह सकते हैं ब्लैक फ्राइडे का दिन रहा क्योंकि क्रूड में जबरदस्त गिरावट आई और जो इम्पैक्ट उसके ऊपर देखने को मिला, ना केवल कच्चा तेल बल्कि एग्री कमोडिटीज भी पूरे धराम होते हुए दिखाई दिए। तो कच्चे तेल की यहां से कीमतें जो है फिलहाल जो $68 पर कच्चा चुका है $65 तक भी नीचे अभी लुढ़क सकता है और हो सकता है कि आपको नेक्स्ट वीक में रिकवरी में भी बाजार जाता हुआ दिखाई दे क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने क्रूड के अपने रिजर्व निकालने से मना कर दिया है और जो अमेरिका ने ये स्टेप लिया है उसका ये स्टेप बिना चाइना की के हाथ दिए ये मतलब जो एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं ला सकता मार्केट में, या इसको यूं कहा जा सकता है क्योंकि बिना चाइना की के सहयोग से इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। तो अभी फिलहाल जो है पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है वो प्रेशर में है मार्केट, लेकिन वहीं अगर ओपेक देश भी सप्लाई बढ़ाने पर सहमत नहीं होते हैं और उधर से कोरोना का जो वेरिएंट आया है उसका इंपैक्ट बढ़ जाता है तो यानी डिमांड जो है वो गिरती हुई दिखाई देगी और डिमांड गिरेगी तो कच्चे तेल की कीमतें फिर से गिरती हुई दिखाई देंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ और सप्लाई भी नहीं बढ़ी और कोरोना का जो वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ तो वापिस से कीमतों को सपोर्ट भी मिल सकता है। तो यानी दोनों ही स्थितियां यहां पर बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। पहले फिलहाल एक हफ्ते की, अगले हफ्ते की हम बात करें तो बाजार जो है $65 से लेकर वापिस से $70-75 की रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से कोरोना का नया वेरिएंट आया है और ओपेक की आगे 2 दिसंबर को बैठक होने वाली है सप्लाई बढ़ाने को लेकर, क्योंकि इससे पहले ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही थी कि जो सप्लाई है कच्चे तेल की वो काफी ज्यादा कम देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ बयान ये भी निकल के सामने आए कि जो सप्लाई इतनी कम बताई जा रही है क्या ये एक्चुअल में है, पहले इसका पूरे अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाएगा, इसकी पूरी जांच की जाएगी, उसके बाद ही आउटपुट पर कोई निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब भी पेंडेमिक होता है चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, जो लॉकडाउन वाली स्थितियाँ होती हैं उनमें आना जाना जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं डिसरप्ट होती हुई नजर आती है, बाधित होती हुई नजर आती है। और अगर ऐसा ही माहौल एक बार फिर से बनता नजर आता है नए कोरोना वेरिएंट के चलते, स्ट्रेन के चलते, ओमिक्रॉन के चलते, अगर लॉकडाउन वाली परिस्थितियां बनती हैं तो डिमांड में एक बार फिर से कमी देखने को मिल सकती है, और अगर ऐसे में इसका जो आउटपुट है वो बढ़ाया जाता है तो कच्चे तेल की जो कीमतें और गिरेंगी ऐसे में उनको संभालना एक बार फिर से मुश्किल हो जाएगा। तो अभी जो करंट सिनेरियो बनता आ रहा है कच्चे तेल का उसको देखते हुए समझते हुए जो ओपेक है वो फैसला आगे लेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 2 दिसंबर को ओपेक प्लस की जो बैठक होने वाली है उसमें ओपेक कच्चे तेल को लेकर, उसके उत्पादन को लेकर क्या फैसले लेता है, वो भी आपके साथ साझा करते रहेंगे। रूपा जी, कच्चे तेल के साथ साथ बात करें यहां से अगर गोल्ड की, तो हमने देखा है कि जब भी पेंडेमिक होता है तो गोल्ड की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होती है। आज देख रहे हैं कि गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में आधे फीसदी तेज है $1791 पर, कल को हमने $1800 के आसपास ट्रेड होते हुए देखा था, आज देख रहे हैं कि सिर्फ 9 पॉइंट की दूरी पर है। आपको क्या लगता है अगर स्ट्रेन की जो केसेस हैं, नए स्ट्रेन जो आया है कोरोना का उसके केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो क्या गोल्ड की जो कीमतें हैं उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? सत्र की बात
थी वो अभी भी $1780 के ऊपर है और $1800 के नीचे है इंटरनेशनल मार्केट्स में। अभी देखिए जो अगले हफ्ते बाजार, जब बाजारों की शुरुआत होगी, सोमवार को बाजार खुलेंगे, तो डेफिनेटली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोने की कीमतों पर आता हुआ हम देख सकते हैं कि सोना जो है हो सकता है आपको $1820-$1840 पर वापिस जाता हुआ दिखाई दे। जिस तरीके से ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है ये कोरोना का नया स्ट्रेन निकल कर आया है, उसका इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। देखिए जब कोई ऐसी स्थिति बनती है, पैनेडेमिक आता है, तब जो लोग जो है वो सेफर साइड जो है वो जाना पसंद करते हैं। आप देखिए इक्विटी मार्केट्स भी अच्छी खासी गिरावट दिखाते हुए नजर आए हैं, कमोडिटी बाजार लुढ़क गए, तो ऐसे में जो इन्वेस्टर है वो सेफ साइड जाना चाहता है, ये प्रीशियस मेटल है इनकी तरफ रुख किया जाता है, ये सेफर माने जाते हैं, सेफ हेवन इसलिए इसके अंदर डिमांड निकलती हुई दिखाई देती है। और अगर ये सारी स्थितियां बनती हुई दिखाई देती हैं तो वापिस से सोना, जैसे हमने पीछे देखा था सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया था और 60,000 तक हमने सोने को जाते हुए देखा था, और अगर एक बार फिर से ऐसा कोरोना का कोई कहर आया तो सोने की कीमतों ने तो नए रिकॉर्ड को छूना तय है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये हमारे इंडिया में इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, यूएस में भी कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, तो बाजारों में अभी जो है छुटमुट तेजी की तरफ मार्केट जरूर जा सकता है, इसका इम्पैक्ट जरूर आ सकता है। और अगले हफ्ते अगर जो फर्स्ट हम मंडे को जब बाजार खुलेंगे तो हो सकता है आपको सोना $1800 के ऊपर ही दिखाई दे, $1800 से लेकर $1840 तक अगले हफ्ते में सोना कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी तो यानी कि भारत के अंदर और यूएस के अंदर अभी नए केस, नए वेरिएंट के जो केसेस हैं वो उतने देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि इसका इतना असर अभी कमोडिटी बाजार पर इतना पड़ता ना है, स्पेशली गोल्ड के अंदर। लेकिन अगर इसका इम्पैक्ट आता है और तो गोल्ड की जो कीमतें हैं, जैसे गुरुपा जी ने बताया, नया रिकॉर्ड हासिल कर सकती हैं। गोल्ड की कीमतों में फिर तेजी को रोक कोई भी नहीं पाएगा, जो तेजी है फिर सोने की पहले वाली जो लेवल हमने देखे थे पिछले साल पेंडेमिक के अंदर लॉकडाउन के दौरान, वो एक बार फिर से देखने को मिल पाएंगे, और हो सकता है कि जो रिकॉर्ड लेवल्स हैं वो उसको भी पार कर जाएं। तो गोल्ड की कीमतों में अभी हाल फिलहाल में कमोडिटी बाजार जैसा है वैसी देखने को मिलता रहेगा, ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी देखने को मिलती रहेगी। लेकिन अगर लॉकडाउन वाली परिस्थितियाँ बनती हैं तो जो निवेशक है वो सेफ हेवन डिमांड एक बार फिर से लेकर आ सकते हैं गोल्ड के अंदर। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और चर्चा होगी कृषि फसलों के ऊपर।